Hey, this is Shikha Bhardwaj and you are watching Abhinav Manch Presents Chit Chat with Shikha Bhardwaj, powered by Shri Shivam. Today's interview is very special to me because I am bringing on one of my favorite personality in the town and who is Lion Production of MP, who has worked with numerous production houses and directors. So please welcome Syed Zaid Ali. Sir, welcome to Chit Chat with Shikha Bhardwaj. I'm very glad to have you on the show. Sir, very first question about your family background and how was your childhood or aapke father and mother, unke baare mein thoda kuch bataiye. Mere father jo hai, mere jo great grandfather the, wo Bhopal collector hokar retire hue. Uske baad mere father, baki mere jo grandfather the, wo business mein the. Mere father pehle the jinhone thoda sa ek out of the way jaake apne career ko pursue kiya. Mere father jo hai काफी नून गजल सिंगर हैं. वो शिष्य रहे हैं पद्मश्री उस्ताद फरीदुद्दीन डागर साहब के. राष्ट्रपति सम्मानित हैं. 55 से ज़्यादा कंट्रीज में उनकी परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं. बाकी मेरी मदर शुरू से मतलब वो हाउस वाइफ है. ओके, होम मेकर थी. आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा काम यही होता है. हाँ, होम मेकर होना, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. Exactly. आप पूरे घर को रन करते हैं. हाँ. How you came to know about Lion Production? जैसे कि आपने बताया कि आपकी फैमिली में कोई भी इस चीज से बिलोंग नहीं करता था, तो कैसे आपको ये सारी चीजों में बेसिकली क्या हुआ था, प्रकाश झा 2008 में भोपाल आए थे लोकेशन देखने के लिए, राजनीति की. सो जैसे आप किसी अलग शहर में जाते हो तो आपको एक एज अ फ्रेंड कोई आपको नंबर दे देता है, या कोई हेल्प चाहिए हो तो इनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. इनका नाम नंबर रख सकते हैं. सो मेरे फादर के पास कॉल आया प्रकाश झा का कि उन्हें मिंटो हॉल, जो उस टाइम पे विधानसभा थी पुरानी, उसमें उन्हें शूटिंग करना चाहते थे. शूटिंग करने से पहले उसे दिखना चाहते थे, रेकी करना चाहते थे. तो रेकी करने के उन्हें गेट में अंदर जाने को नहीं मिल रहा था. ओके. तो उन्होंने मेरे फादर से कॉन्टेक्ट किया. उस टाइम पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एके प्यासी जी विधानसभा में. ही इज वेरी वेल नोन टू माय फादर. सो उन्होंने क्या करा, प्रकाश जी बाबा ने फादर ने में बात करी उनसे. उन्होंने ठीक है, इत्तेफाक से वो खुद ही उधर से आ रहे होंगे, तो वो खुद ही चाबी सिक्योरिटी स्टाफ को लेके अपने साथ आ गए. गेट खुला, प्रकाश जी काफी इंप्रेस हुए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद आए चाबी लेके, इतना कोऑपरेशन दे रहे हैं. तो वो हुआ, उन्होंने विधानसभा देखी. उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम फिर उनके फादर के पास कॉल आया कि मुझे यहाँ पर अपना सिकंदर हफीज खान साहब के जो नूरसभा पैलेस है उसमें शूटिंग करना चाहता हूँ, बट सिकंदर हफीज खान साहब मिल नहीं पा रहे हैं. सो अगेन माय फादर, भोपाल बड़ा छोटा सा शहर है, पुराने लोग सब एक दूसरे को जानते हैं. मेरे फादर ने सिकंदर साहब से बात की. और ये कब की बात रही होगी? 2008 जुलाई अगस्त के आसपास. ओके. तो लाइक 10 टू 11 इयर्स हो चुके होने वाले. तो सिकंदर हफीज खान साहब से मुलाकात फादर की वजह से हुई. तो ये दो तीन बार ऐसे ही प्रकाश जी ने हेल्प करी फादर ने मेरे. सो आउट ऑफ कर्टेसी उन्होंने, प्रकाश जी ने फादर से पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. तो फादर ने बोला कि मुझे तो नहीं पता, आप मेरे बच्चों को देख लीजिए. तो मेरे जो बड़े भाई हैं जुहेब, उन्होंने ज्वाइन किया एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर प्रकाश जी को. ओके. और मैंने ज्वाइन किया एज प्रोडक्शन, एज लाइन प्रोड्यूसर. प्रकाश जी से मिल गया, सारी चीजें हुई. उस दौरान मुझे एक्चुअली अपना खुद का कुछ करने का बड़ा शौक था कि यार मैं खुद का कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ. सो मुंबई से कुछ लोग आए हुए थे जो कि पूछ रहे थे यहाँ लाइन प्रोड्यूसर कौन है, क्या है. उस टाइम पे लाइन प्रोडक्शन का कंसेप्ट बड़ा नया था. इंडिया में लाइन प्रोड्यूसर जैसी कोई चीज होती नहीं थी. यहाँ कोऑर्डिनेटर्स होते थे, तो लोकेशन कोऑर्डिनेटर अलग होता है, आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर अलग होता है, सब चीजें होती. सो मैंने देखा कि ये लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं, ये कई आर्टिस्ट के लिए अलग भाग रहे हैं, लोकेशंस के लिए अलग भाग रहे हैं, छोटे छोटे रिसोर्सेज के लिए बहुत इतना परेशान हो रहा है. सो उस टाइम पे मैंने जील का थॉट मेरे दिमाग में आया. ओके. और जील एंटरटेनमेंट, जील जेड एंटरप्राइजेस के नाम से मैंने 2008 26 जुलाई को मैंने एक. तो ये नाम आपके माइंड में कैसे आया, मतलब क्या बेसिकली? मैं इसके लिए मेरे मतलब मैं बैकग्राउंड में, मेरे फादर जो थे उन्होंने शुरू से एक सिस्टम घर का रखा हुआ था कि आपको दिन के 10 रुपए से ज्यादा नहीं मिल सकते. ओके. पॉकेट मनी. और इत्तेफाक से जिस स्कूल में मैं था वहाँ पर बच्चे 500 रुपए पर डे खर्च करने वाले. तो बड़ा एम्बैरेसिंग लगता था दोस्तों के साथ जाने के लिए. तो मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तो वहां पर मैंने पहली बार जॉब करना शुरू किया था. इसी गिल्ट में कि यार लोग था, अब किसी दोस्तों के साथ जाना चाहते नहीं जा सकते उनके साथ. तो मतलब वो जो फीलिंग थी उसको दूर करने के लिए मैंने पहली जॉब करी आइडिया में. ओके. तो उस जमाने में कंपनीज आपको जॉब नहीं देती थी, बट एजेंसीज आपको जॉब दे देती. वो कहती है कि भैया 10 सिम बेच के ले आओ और पर सिम पे 250 रुपए, तो 2500 रुपए आपके मिल जाएंगे महीने के. इन द एज ऑफ 18, इन द एज ऑफ 15. ओके. हां, 14 या 15 आई थिंक. तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, हम लोग क्रिकेट साथ में खेला करते थे, जुबैर नाम था उनका. तो उन्होंने वो आइडिया में एक्चुअली जॉब करते थे. तो उन्होंने मुझसे कहा कि जैद आप आइए, मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हें पैसे कमाने. मैंने कहा यार भाई चाहिए पैसे तो चाहिए.
एक काम करूँ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ. तो ताज मार्केट में एक छोटी सी एजेंसी हुआ करती थी, आइडिया की अभी नहीं है, वहां पर मुझे पहली जॉब मिली लगी थी. मैंने गया पहले मंथ, मैंने तकरीबन 10 सिम्स का टारगेट था, मैंने 17 सिम्स का सेल किया उस दिन. वहाँ से पैसे वगैरह मिले, तो वहाँ से जो चीज़ शुरू हुई, तो वहीं पर एक्चुअली ये थॉट पहली बार आया था कि यार मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ. राजनीति में काम किया, तो उसी टाइम आपने सोच लिया था कि फिल्म लाइन में आना है या प्रोडक्शन लाइन में आना है, किस तरह से? हाँ, वहाँ पर जाने के बाद एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा मजा आने लगा काम में करने के लिए. वहाँ जो चीजें थी, क्योंकि वहाँ पर जो आप करते रोज आप कुछ नया करते, मोनोटोनस लाइफ नहीं है, एक जैसी लाइफ नहीं जीते, मतलब वही जॉब वाला लाइफ में नहीं था. ओके, हमें याद है कि हमने जो आपने राजनीति फिल्म अगर बाय चांस देखी होगी आपको, तो आपने देखी होगी उसकी ओपनिंग सीक्वेंसेस है, उसमें एक बहुत बड़ी भीड़ दिखती है. हमारा सबसे बड़ा टास्क था 8,000 लोगों को सेट पे लेके आना. ओके, क्राउड. हाँ, उनको सुबह 6 बजे, सबको 6 बजे सेट पे पहुंचाना. और जब धूप होती थी वहां पर, तकरीबन जो लेट फेब में क्या नाम, जब धूप तेज पड़ती है, और कोटरा मैदान जहाँ हम शूट कर रहे थे वहाँ एक भी पेड़ नहीं था. हर आधे घंटे में, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे, हमने 30-30 लोगों की टीम डिवाइड की हुई थी, 20 मेल फीमेल अलग अलग एज ग्रुप के 10. तो सारे क्राउड को आप अकेले मैनेज कर रहे थे? नहीं, मैं अकेले मैनेज नहीं कर रहा था, उसकी पूरी सिस्टम बनाया गया था. बेसिकली हर 30 लोगों पे एक टीम लीडर था, और हर 5 लोगों पे एक सब टीम लीडर था, और इन सभी पे इनके ऊपर भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर था. लेकिन एज प्रोडक्शन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, हम उस 6 बजे सुबह सेट पे पहुंचाना है, आधे घंटे में 8,000 लोगों को खाना खिलाना है. और जैसे मैंने बताया, धूप बहुत तेज होती थी, कुछ बुजुर्ग भी थे हमारे साथ, काफी सारे फीमेल्स भी थी, तो हर आधे घंटे में कोई ना कोई बेहोश होकर गिरता था. ओके, तो होता क्या था कि जहां पर बेहोश होकर इंसान गिरते थे, तो वहां पर कैमरा में एक इम्पैक्ट दिखता था दूर से. तो हमने नेक्स्ट डे से क्या किया था कि हमने रोलर स्ट्रेचर्स लगा दिए थे, तो कोई भी गिरता था तो स्ट्रेचर पे डालना, नीचे से खींचते हुए नींबू पानी पिला के वापस भेज देते. तो बड़ा मजा. उसके अलावा खाना होता था, उन लोगों के साथ मैनेज करना. पहले दिन हमारे केटरर फेल हो गए थे. 8,000 लोगों को खाना खिलाना मतलब इज अ बिग डील. बिग डील. उन्होंने क्या करा था कि जो थालियां आती हैं प्लास्टिक वाली, वो उन्होंने रैप कर दी थी गरम गरम, तो 1,500 लोगों का खाना सड़ गया था. ओके, मुझे, मेरे पास एक फोटोग्राफ है. तो हमने उसी टाइम पे लोगों को बुलवाया, रोटी बनाने वालों को सबको करवा के, इतनी रोटियां डली थी कि टेंट की छत तक रोटियां गई थी. हाँ, तो 8,000 लोगों का खाना है, तो खाना था. और पहली बार एक्सपीरियंस मिल रहा था प्रकाश झा, रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल, अजय देवगन, मनोज वाजपेयी, इतने एक्टर्स के साथ रहना, उनके साथ एक अलग एक्सपीरियंस मिलता था कि यार कभी रणबीर कपूर के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी अजय देवगन के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी किसी के साथ कुछ बातें हो रही हैं. नाना पाटेकर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, थोड़े गुस्से वाले थे बट वो बहुत, उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, मनोज वाजपेयी. तो जब ये सब देखा लाइफ के अंदर, तो एक चीज लगा कि ये ही करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है. ओके, तो जब आपने स्टार्ट किया होगा तो बहुत सारे फेलियर्स भी मिले होंगे आपको, या हमेशा? फॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा, मुझे आप लकी कह लीजिए, बहुत ज्यादा लकी हूँ मैं. फॉर्चुनेटली मुझे राजनीति फिल्म में एक भी टास्क जो हमें असाइन किया गया था वो फेल नहीं हुआ. ओके, एक भी टास्क, हर जगह जो चीज मांगी गई वो चीज हमने प्रोवाइड की. और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे फादर का सपोर्ट पूरा रहा हमेशा. मेरे ब्रदर थे मेरे साथ, इसके अलावा फिर धीरे धीरे हमारे साथ और भी टीम जुड़ती थी. मतलब आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आपके फादर होते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम होती थी पापा को फोन लगाता था, पापा ये प्रॉब्लम हो रही है ना, रुक जाओ मैं फोन लगा. ठीक है, उसके बाद कौन सी मूवी की आपने? देखिए, राजनीति फिल्म हमने करी थी 2009 में, शूट करी थी हमने दोस्त के लिए उसमें, और उसके बाद 2010 में हमने एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया था. मुझे इतना सोचने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, मैं अंडर ग्रेजुएशन था, तो मुझे इतना सोचना है ठीक है होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं. 2010 में इन बिटवीन मुझे एक कॉल सेंटर में जॉब मिली, मैंने कॉल सेंटर में जॉब भी कर ली जाके. फर्स्ट सोर्स करके एक कंपनी कॉल सेंटर खुली थी, एयरटेल का इनबाउंड सर्विस थी. ठीक है, मैंने कहा काम नहीं आ रहा, मैं जॉब कर लेता हूँ. तकरीबन 3 महीने मैंने वहां जॉब करी. इन बिटवीन मुंबई से कुछ लोगों का आना जाना आता रहा, चलता रहा, कुछ लोग लोकेशन देख के जाते थे, पसंद नहीं है. 2011 में मेरे पास आए अराउंड 11 प्रोजेक्ट्स आए मेरे पास. ओके, 2012 में मेरे पास 27 आए. उसके बाद अभी लास्ट ईयर मैंने 52 प्रोजेक्ट्स किए. तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स आप बता रहे हैं, इन सब में आपने किया है या फिर किस तरह से आपने? बेसिकली क्या है, देखिए, इन टोटल मध्य प्रदेश में 231 प्रोजेक्ट
231 शूटिंग्स हुई हैं जिनमें से 95 के आसपास फिल्म्स हैं, टीवी शोज हैं, एक्टिंग हैं, जिनमें से मैंने 221 मैंने शूट किए हैं. ओके नाइस. 221 फिल्म्स मतलब 85 फिल्म्स मेरे प्रोफाइल में हैं, बाकी टीवी शोज एक्ट फिल्म्स वगैरह हैं. मतलब मार्केट का 95% का शेयर हमारे पास आपके पास है. एमपी का पूरा देखते हैं ना सर, पूरे मध्य प्रदेश का. ओके